हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिष्णु प्रकाश कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें बिष्णु प्रकाश कंपनी की, तो आज हमें स्टॉक के अंदर 5% की तेजी देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 237 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है। मार्केट कैप है 2,940 करोड़ का। करंट प्राइस में कंपनी कारोबार करिए तो 36.52 भी खाई है, 242 और 52 लो है 141। स्टॉक पीई 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 57 रुपए, कहीं ना कहीं जो कंपनी के शेयर प्राइसेस अपनी बुक वैल्यू से 4 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड हाई नहीं, आरओई बेहतरीन है, आरओसीई बेहतरीन है। सेल्स जो कंपनी की पिछले 3 साल में 45% के हिसाब से ग्रो हुई है। भाई पिछले 5 सालों में आप देखोगे 32% के हिसाब से ग्रो हुई है। भाई हम देखोगे डेप्ट 396 करोड़ है। अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखो तो डेप्ट का कोई भी कंपनी पर दबाव नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68% है। पीईजी रेशो के हिसाब से जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। भाई ग्राम नंबर के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। हम बात करते हैं क्वार्टर्स की। आप देखोगे कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। भाई अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे एक अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी लगातार अपने जो रिजर्व्स हैं उन्हें बढ़ा रही है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तकरीबन 68% है। वहीं FIIs हमें 1% के करीब देखने को मिल रहे हैं। वहीं DIIs तकरीबन 4% के करीब स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 27% के करीब स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। हम बात कर लेते हैं हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप देखोगे लगातार हमें विष्णु प्रकाश में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने अपने रेजिस्टेंस को टच किया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, आप देखोगे यहाँ सेलिंग हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली। फिलहाल आप देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है 241-242 के लेवल का, तो अच्छी खासी तेजी हमें विष्णु प्रकाश में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के शेयर प्राइस जाते हैं यहाँ पर थोड़ा अपना टाइम बिताएंगे या फिर दोबारा इस सपोर्ट लेवल पर हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो आप देखोगे एक और सपोर्ट लेवल, ये आपका ये, या तो उस लेवल तक आएंगे या फिर इस लेवल तक आते हुए, दो मिनट रुको, ड्रॉ, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो अच्छी खासी तेजी। हम वैसे तो ओवरऑल स्टॉक बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो पता क्या होता है, आप देखोगे जैसे यहाँ हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला सपोर्ट जोन से। अब यहाँ देखोगे ये जैसे रेजिस्टेंस आया ना, तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आती है, उनके अंदर डर सा बैठ जाता है, तो क्या करते हैं वो सेलिंग चालू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से देखो स्टॉक हमें नीचे आता है वो दिखाई देता है। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे देखेंगे सपोर्ट जोन के आसपास आए तो फिर बाय करना चालू कर देंगे, फिर कंपनी के जो शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल हमें चांसेस क्या लग रहे हैं, या तो यहाँ से ये यूं जाए फिर ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से इस लेवल पर आए, या फिर यहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिताए और फिर आगे की तरफ निकले। ये तीनों चारों अपॉर्चुनिटीज जो मैंने तीनों चारों चीज़ें बताई ये स्टॉक के अंदर संभव है। एक चीज़ और, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरी ये खुद की एनालिसिस है। आप चाहे तो अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हो, या फिर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।